हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पासिंग यार्ड। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कॉमन फैक्टर निकालना और कॉमन मल्टीपल निकालना। फैक्टर्स निकालने के लिए तो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन फैक्टर्स निकालना बहुत ही ईजिली हो जाता है हमारे यू शेप के मेथड से, जिससे कि मैंने आपको सिखाया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं आपको कॉमन फैक्टर। अगर हमें किसी भी दो डिजिट की कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल 24 एंड 56 की, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। यू शेप मेथड से आप निकाल सकते हैं। पहले 1 के टेबल में 24 पे जाएगा, 2 के टेबल में 12 पे जाएगा, 3 के टेबल में 8 पे जाएगा, 4 के टेबल में 6 में, 7 में जाता नहीं है, 8 में जाएगा, 8 हम लिख चुके हैं, 3 पे जाएगा, 9 में जाता नहीं, 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 10 तक जाना कि हमने देखा था, आगे हमें नहीं देखने की जरूरत। ये सारे हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे? 56 के। 1 के टेबल पे 56 पे जाएगा, 2 में कितने पे जाएगा? ये 28 पे जाएगा, 3 में ये नहीं जाएगा, 4 में जाएगा ये 14 पे, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 पे, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें जब दोनों के फैक्टर्स निकल गए हों, तो अब हमें जो सेम फैक्टर्स होते हैं उनको सर्कल करना है। सेम फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, और देखिए 8 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स इसके कॉमन हो गए? जैसे 1, 2, 4 और 8, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल गए। कॉमन फैक्टर्स इनको कि हम CF भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम CF बोलते हैं। तो कौन से हो गए? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, आपको समझ में आया इससे? अब इसके बाद अगर हमें दो डिजिट के, तो अभी तक पता चल गए, अगर हमें 3 डिजिट के निकालने तो कैसे निकालेंगे? सेम मेथड फॉलो करेंगे हम। पहले हम 120 के फैक्टर निकालेंगे। 1 के टेबल पे कितने पे आएगा? 120 पे, 2 पे 60 पे, 3 पे 40 पे, 5 के टेबल में 24 पे, 6 में 20 पे, 7 में नहीं आता, 8 में ही आएगा 15 पे, 9 में नहीं आएगा, 10 पे आएगा ये 20। ऐसे फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे? 140 के। 1 के टेबल में 140 पे आता है ये, 2 में 70 पे आएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 के टेबल में कितने पे आएगा? 5 में जाएगा ये, 6 में नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा ये 20 पे, 8 में जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा ये 14। ठीक है, अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? जो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे 1 आ रहा है, 2 सेम आ रहा है, 5 सेम आ रहा है, 20 सेम आ रहा है, और कौन से सेम नंबर्स आ रहे हैं? 10 सेम आ रहा है, ऐसे चीज, और कोई नंबर इसमें हमारे कॉमन नहीं आ रहे। तो हमारा सी एफ क्या हो गया? हमारा 1, 2, 5, 20 और 10। ये 10 या 20, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं काउंट होती। ठीक है, अब आपको इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालने आगे किसी भी मैथड, किसी भी दो नंबर्स के। अब हम आपको सीखेंगे कॉमन मल्टीपल निकालना। ठीक है, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें टेबल पता होने चाहिए, वो तो हमें पता ही है छोटी सी क्लास से 10 तक। ठीक है, कॉमन मल्टीपल के लिए जैसे कि हमारा डिजिट था 24 एंड 56, तो हमें इसके टेबल पता होने चाहिए। तो 24 का टेबल लिखेंगे हम, फिर इसके बाद 144 और फिर 168 और फिर
192, ठीक है। 192 के बाद इसका टेबल हो गया। अब ऐसे ही हम किसका टेबल लिखेंगे, 56 का। ठीक है, ऐसे इसका टेबल। अगर आपको टेबल लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनको प्लस करते रहेंगे। जैसे इसको प्लस किया तो हमारा कितना आया, 280। अब इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे करके फिर सिंपल प्लस कीजिए आप इसको, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप इसको मिटाते जाइए, फिर प्लस करिए ऐसे और ये फिर प्लस कीजिए, तो ऐसे करके आपका कोई भी डिजिट का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे निकाल के दिखाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 112, फिर 56 प्लस कीजिए, 8168, फिर 56 प्लस कीजिए, फिर 56 प्लस कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके लिए। फिर 56 प्लस कीजिए, ठीक है, इसको हम रिलीज कर देंगे। देखो, फिर 56 प्लस कीजिए, इसके अंदर 448 आ जाएगा। फिर 56 प्लस कीजिए, फिर 56 प्लस कीजिए, हमारा पूरा आ जाएगा टेबल, ठीक है। यहाँ तक आपका निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे सेम आ रहे हैं। तो 168 हमारा सेम आ रहा है और कोई हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम इसका कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो गया, सेम हमारा क्या हो गया, 168, ठीक है। इसी तरह से हम तीन डिजिट का भी निकालेंगे, जितने मर्जी डिजिट का निकाल लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।